टीवी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां टैलेंट और खूबसूरती का मिश्रण सुपरस्टार एक्ट्रेस बनने का फॉर्मूला माना जाता है। इसलिए तो हमारी टीवी इंडस्ट्री में आज पहाड़ी एक्ट्रेस का बोलबाला है, जो पहाड़ी खूबसूरती की मिसाल है और उसी खूबसूरती के साथ वो अभी टैलेंटेड है। इस तरह से अपनी उसी पहाड़ी खूबसूरती और टैलेंट के मिश्रण के साथ आज उन सभी एक्ट्रेस ने छोटे पर्दे की ग्लैमर की दुनिया में तहलका मचा रखा है, जिनमें से ज्यादातर एक्ट्रेस तो देवभूमि उत्तराखंड से ताल्लुक रखती हैं, जिनकी खूबसूरती की मिसाल पूरी दुनिया में है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री की 6 उन्हीं पहाड़ी अभिनेत्रियों से रूबरू करवाएंगे। तो देर न करते हुए आइए जानते हैं उन टीवी की पहाड़ी एक्ट्रेस के बारे में। नंबर 1, सुकृति कांडपाल। प्यार की एक कहानी सीरियल से मशहूर हुई अभिनेत्री सुकृति कांडपाल उत्तराखंड ब्यूटी हैं और अपनी इसी ब्यूटी और टैलेंट के साथ इन्होंने दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स, अगले जन्म, मोहे बिटिया ही की जो और दिल मिल गया जैसे शोज में अलग अलग किरदार निभाकर टीवी इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई और उत्तराखंड का नाम टीवी इंडस्ट्री में रोशन किया। नंबर 2, बरखा बिष्ट। स्टार प्लस के शो नामकरण से प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री बरखा बिष्ट टीवी इंडस्ट्री की एक बेहद लोकप्रिय अदाकारा है जो उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। इनका जन्म 28 दिसंबर 1979 को उत्तराखंड के गढ़वाली परिवार में हुआ। वहां से निकलकर इन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। ये उत्तराखंडी ब्यूटी अब तक काव्यांजलि से लेकर कसौटी जिंदगी की जैसे कई हिट सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। नंबर 3, रूप दुर्गापाल। बालिका वधु की सांची के रूप में घर घर में मशहूर हुई अभिनेत्री रूप दुर्गापाल ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा से निकलकर मुंबई टीवी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। इन्होंने बालिका वधु से लेकर स्वरागिनी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी और गंगा जैसे सीरियल में काम कर टीवी इंडस्ट्री की एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनकर उभरी, पर इतनी सफलता हासिल करने के बाद आज भी इन्होंने उत्तराखंड से अपना रिश्ता बरकरार रखा है। नंबर 3, रुबीना दलाइक। बिग बॉस 14 की विनर बनी अभिनेत्री रुबीना दलाइक की भी एक पहाड़न है जो आज पूरा देश जान चुका है, क्योंकि शो में कई बार ये बता चुकी हैं कि एक पहाड़ी है। बता दें कि टीवी की इस नेचुरल ब्यूटी का रिश्ता हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से है। भले ही अपने काम की वजह से ये मुंबई में रहती हैं, लेकिन इनका दिल शिमला में बसता है। हाल ही में इन्होंने बिग बॉस फाइनलिस्ट के साथ भी बिग बॉस के अंदर एक छोटा सा पहाड़ी डांस किया। इससे पता चलता है कि अपनी जन्मभूमि से कितनी जुड़ी है। नंबर 5, शिवांगी जोशी। छोटे सी उम्र में बड़ा नाम कमाने वाली एक्ट्रेस शिवांगी जोशी भी देवभूमि यानी कि उत्तराखंड से ताल्लुक रखती हैं। इनका जन्म देहरादून के गढ़वाली परिवार में हुआ और आज ये गढ़वाली फ्लेवर का तड़का टीवी इंडस्ट्री में बिखेर रही हैं। ये लोगों के बीच अपनी एक्टिंग को लेकर मशहूर हैं ही, साथ ही अपने स्टाइलिश अवतार, चाइल्डहुड क्यूट लुक और डिंपल्स के लिए भी जानी जाती हैं। नंबर 6, आशा नेगी। पवित्र रिश्ता की पूर्वी का किरदार निभाकर मशहूर हुई अदाकारा आशा नेगी के बिना तो ये लिस्ट भी पूरी नहीं हो सकती, जो कि उत्तराखंड के नेगी क्षेत्रीय परिवार से ताल्लुक रखती हैं। ये उत्तराखंड की रहने वाली हैं। इस बात को इन्होंने अपने हर कदम पर साबित किया है, क्योंकि एक उत्तराखंडी सुंदर और टैलेंटेड होता है और ये दोनों ही चीजें इनमें कूट कूट कर भरी हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी पहाड़ी एक्ट्रेस आपकी फेवरेट है, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।